हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर गाइस आपने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक किया है या आपने काउंटर से ट्रेन टिकट बुक किया है, अगर आप अपने टिकट का बोर्डिंग स्टेशन चेंज करना चाहते हैं या आप कह सकते हैं बोर्डिंग पॉइंट चेंज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ बोर्डिंग पॉइंट और बोर्डिंग स्टेशन क्या होता है। सबसे पहले गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बोर्डिंग पॉइंट होता है बोर्डिंग स्टेशन वो दोनों एक ही होता है, सिर्फ नाम थोड़ा अलग है। पॉइंट है एक तरफ, स्टेशन है वो सेम ही ऑप्शन रहता है। वहाँ पे सिर्फ बोर्डिंग पॉइंट दिया हुआ है एक जगह पे दिया रहता है बोर्डिंग स्टेशन। अगर आप अपने ट्रेन टिकट का बोर्डिंग स्टेशन चेंज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, मैं एग्जांपल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं गाइस यहाँ पे मैं एक टिकट बुक किया हूँ कल के डेट में, उसके बाद मैं यहाँ पे अहमदाबाद से प्रयागराज के लिए, तो गाइस मैं अहमदाबाद से प्रयागराज के लिए मैं टिकट बुक किया हूँ, तो मैं जो अहमदाबाद से ट्रैवल नहीं करना चाहता हूँ, मुझे सूरत स्टेशन से ट्रैवल करना है, तो मुझे उसका बोर्डिंग जो स्टेशन है उसको चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं उसको चेंज नहीं करूँगा तो हमें फ़ाइन देना पड़ जाएगा, इसके लिए आपको बोर्डिंग स्टेशन चेंज करना पड़ेगा। तो आज मैं आपको पूरा लाइव प्रूफ आपको दिखाऊँगा कि आपको बोर्डिंग स्टेशन कैसे चेंज करना है। सबसे पहले आपको अपना IRCTC का जो रेल कनेक्ट एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे अपना जो रेल कनेक्ट एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लिया हूँ। उसके बाद आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कोने साइड में देखेंगे तो यहाँ पे लॉगिन का एक ऑप्शन है, आपको इस पर दबा देना है। इस पर दबाने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना 4 डिजिट का जो पिन है वो डाल देना है और ये जो कैप्चर कोड है ये इस बॉक्स में आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे सब कुछ फिल करके मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखते हैं मैं सब कुछ फिल कर दिया हूँ। चलिए मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ गया वैलिड डेट है, उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई कर रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे कम से कम 2-4 सेकंड वेट कर लेना, उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद गाइस आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ट्रेन का आइकन है, आपको इस पर दबा देना। इस पर दबाने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा माई बुकिंग, आपको इस पर दबा देना है। इस पर दबाने के बाद आपने जितना टिकट बुक किया होगा आपको यहाँ पे आपका शो कर जाएगा। गाइस यहाँ पे देखते हैं मैं यहाँ पे एक टिकट ये बुक किया हूँ यहाँ पे अहमदाबाद से प्रयागराज। अब चलिए मैं यहाँ पे इसका बोर्डिंग स्टेशन चेंज करना चाहता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आपको जो भी टिकट पे बोर्डिंग स्टेशन चेंज करना है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे इस टिकट को ओपन कर लिया हूँ। उसके बाद आपको करना क्या है, अभी यहाँ पे देखते हैं इस टिकट का जो बोर्डिंग स्टेशन है यहाँ पे अहमदाबाद है, अहमदाबाद से प्रयागराज। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे मैं इसका बोर्डिंग स्टेशन चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कोने साइड पे देखेंगे 3 बिंदु है, आपको 3 बिंदु पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा चेंज बोर्डिंग पॉइंट, आपको इस पर दबा देना है। इस पर दबाने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आ गया चेंज बोर्डिंग पॉइंट, और गाइस यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे जितनी आपका जो गाड़ी है उसका जो स्टेशन है आपको यहाँ पे शो करेगा, जैसे अहमदाबाद से है यहाँ पे जो यहाँ वडोदरा भरूच सूरत, तो मुझे यहाँ पे सूरत से ट्रेवल करना है, यहाँ पे देखते हैं सूरत। उसके बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है। गाइस यहाँ मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, आपको जो भी स्टेशन से आपको बोर्डिंग स्टेशन चेंज करना है आपको उस पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे सूरत से ट्रेवल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सूरत पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको अपडेट बोर्डिंग पॉइंट, आपको इस पर दबा देना है। इस पर दबाने के बाद यहाँ पे आपको कन्फर्म करने के लिए बोला जा रहा है तो आपको यहाँ पे कन्फर्म पर दबा देना है। इस पर दबाने के बाद यहाँ पे आएगा प्लीज वेट, यहाँ पे गाइस देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है चेंज बोर्डिंग पॉइंट, यहाँ पे जो मेरा पहले बोर्डिंग पॉइंट था बोर्डिंग स्टेशन था वो यहाँ पे अहमदाबाद था, अब यहाँ पे जो मेरा न्यू है यहाँ पे सूरत हो चुका है। अब चलिए मैं यहाँ ओके पर क्लिक करता हूँ। चलिए मैं ओके पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा बोर्डिंग स्टेशन था वो मेरा चेंज हो चुका है। तो गाइस इससे आप भी अपने ट्रेन टिकट का बोर्डिंग स्टेशन चेंज कर सकते हैं। सो गाइस ऐसा करता हूँ, आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर दोस्तों आपको इस जगह हुआ तो आप एक कमेंट करके जरूर बताना, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।